मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सर, मैं थोड़ा सा रिकैप कर लूं कि भाईजान हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। सर हमने अभी तक पढ़ा था कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कितने होते हैं। सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस तीन होते हैं सर, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप कंपनी। सर सोल ट्रेडर में कितनी बातें? सर सोल ट्रेडर में चार बातें। सर सोल ट्रेडर इज द वन हु ओन्स एंड रन्स हिज ओन बिजनेस। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडर, लॉ रिकॉग्नाइज द सोल ट्रेडर हु ओन्स एंड रन्स हिज ओन बिजनेस। सर उसके बाद नंबर तीसरी बात क्या थी? सोल ट्रेडर इज लायबल फॉर इट्स बिजनेस इज नॉट। सर सोल ट्रेडर लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ लॉ, इट्स बिजनेस इज नॉट। सर पार्टनरशिप पे बात आई थी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन्स देयर ओन बिजनेसेस, ठीक है। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, लॉ रिकॉग्नाइज द पार्टनर हु ओन्स एंड रन्स देयर बिजनेसेस। सर उसके बाद तीसरी बात, पार्टनर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर देयर डेट्स, इट्स बिजनेस इज इट देयर पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट लायबल फॉर डेट्स, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एनी ब्रीच ऑफ लॉ। फिर सर बात आ गई थी कंपनी पे, कंपनी इज अ लीगल पर्सन व्हिच इज फॉर्म टू कैरी आउट एनी लॉफुल बिजनेसेस। सर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो फिर कंपनी में दूसरी बात क्या थी? सर कंपनी द ओनर्स ऑफ द कंपनीज आर मेंबर्स which are the shareholders, ठीक है। company is separate from its owners, company law recognized company as a separate legal person, law recognized company as a separate legal person, ठीक है। उसके बाद सर which is separate from its owner, मतलब उसका owner कोई अलग है और company अलग है, company एक अलग individual person है और owner कोई अलग individual person है। सर उसके अलावा company liable for its debts, its shareholders or not। शेयर होल्डर कौन होते हैं? सर कंपनी के ऑनर, शेयर होल्डर को मैं मेंबर भी बोल सकता हूं। अगर सर इस पे एमसीक्यू आ जाए भाईजान के मेंबर कौन कौन है तो आप बता देंगे? सर फिलहाल ये बता देंगे, मेंबर की डेफिनेशन वैसे उसमें चार बातें आती हैं, लेकिन अभी तक आपने कौन सी सीखी है कि भाईजान मेंबर की डेफिनेशन भी हम बनाएंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट में ये समझ लें कि शेयर होल्डर की डेफिनेशन में, मेंबर की डेफिनेशन में वो बंदा जो शेयर होल्डर है वो मेंबर है। उसके बाद सर अगर थोड़ा मैं आगे बढ़ूं, कंपनी लायबल फॉर डेट इट शेयर होल्डर और नॉट, कंपनी लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ लॉ इट शेयर होल्डर्स और या इट्स मेंबर्स और नॉट, ठीक है। सर अब बात ये, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंपनी कंपनी को क्या कहा जाता है? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, अ लीगल पर्सन व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। सर कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो सर आर्टिफिशियल पर्सन वो बंदा, वो मतलब जिसको हमने बनाया हो, हम कौन से हैं? नेचुरल पर्सन है, तो सर आर्टिफिशियल पर्सन है। तो सर लीगल, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन फर्क सिर्फ ये है कि हम नेचुरल हैं वो आर्टिफिशियल है। अब जो मेरे राइट्स होंगे वो वही कंपनी के राइट्स होंगे। सर जो अगर मैं किसी बंदे के साथ इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? जी सर, तो कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्या मैं किसी कंपनी से कर्जा ले सकता, मैं किसी बंदे से कर्जा ले सकता हूँ? जी सर। सर कंपनी भी कर्जा ले सकती है। क्या मैं किसी को सेल कर सकता हूँ? जी सर, कंपनी भी सेल कर सकती है। सर मैं क्या एसेट कोई खरीद के उसका ऑनर बन सकता हूँ? जी सर, कंपनी भी कोई एसेट खरीद के ऑनर बन सकती है। क्या सर मुझ पे टैक्स देना लाजमी है? जी सर, आपको टैक्स देना लाजमी है। तो सर कंपनी को भी टैक्स देना लाजमी है। अगर सर मैंने किसी लॉ की खिलाफ वर्जी कर दी तो उसका ब्रीच किस पे होगा? सर आप पे। तो सर कंपनी ने अगर किसी लॉ की खिलाफ वर्जी कर दी तो उसका ब्रीच किस पे होगा? सर कंपनी पे। सर अगर अगर आपने किसी से परचेज कोई चीज की क्रेडिट पे, उधार पे, तो ये लाइबिलिटी किसको बेयर करनी पड़ेगी? सर आपको। तो सर कंपनी ने अगर कोई लाइबिलिटी, कंपनी ने अगर किसी चीज से, अगर कोई किसी से चीज खरीदी तो वो लाइबिलिटी उसको बेयर करनी पड़ेगी। दूसरा फिर हमने सर एक टर्म सीखा था, कंपनी इज अ लीगल पर्सन व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। सर इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। सर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या? अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। सर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या? मेरे साथ साथ बोलो, अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। सर कंपनी के अंदर शेयर कौन कौन खरीद सकता है? सर लीगल पर्सन। मैं पूछूं, अगर आईकेप में आपसे पूछा जाए कंपनी के अंदर शेयर कौन कौन खरीद सकता है, तो आप बोलोगे लीगल पर्सन, लीगल पर्सन। सर लीगल पर्सन बोले तो सर नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। सर लीगल पर्सन बोले तो सर नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। सर नेचुरल पर्सन मतलब हम, नेचुरल पर्सन मतलब इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन मतलब हम इंडिविजुअल। सर आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी,
कंपनी कंपनी क्या सर, एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स खरीद सकती है? जी सर। सर ये कैसे हो सकता है? सर जैसे ऊबर ने करीम को खरीद लिया, जैसे ऊबर ने करीम को खरीद लिया सर, ये जो खरीद लिया तो उसका क्या मतलब सर? मतलब सर उसके मैक्सिमम शेयर्स उसने अपने पास खरीद लिए। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है? जी सर, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, ठीक है ना। तो जैसे कि सर करीम ने, जैसे कि कंपनी ए ने 10 शेयर इशू किए, अब वो इंडिविजुअल भी परचेज कर सकता है, अब वो कोई दूसरी कंपनी भी परचेज कर सकती है क्योंकि वो लीगल पर्सन है। तो सर यहां तक बात क्लियर हुई? सर यहां तक बात क्लियर हुई सबको? आसिक बेटा तुम्हारी इंटरनेट में मसला होगा क्योंकि सबको आवाज सही आ रही है। चलें सर अब हैंडआउट निकालें, जो मैंने हैंडआउट दिया था आप लोगों को उसमें से रीड कर लेते हैं। हम बताता हूं हैंडआउट पे आ जाए। सर जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, इतनी दफा रिपीट हुई है कि अब आपको याद हो चुकी होगी। जस्ट रीड करना है और कुछ नहीं। सर कहाँ से बुक से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है? सर मैं आपको बताता चलूंगा, बुक बड़ी अच्छी लिखी हुई है, मैं आपको बताता चलूंगा। अब ये बुक का ये वाला पेज आप रीड कर सकते हैं, ये वाला चैप्टर रीड कर सकते हैं, लेकिन याद आपने आप बुक जरूर पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि मैंने आपको हैंडआउट दे दिया तो आप बुक को रीड ही नहीं करें। बुक जरूर पढ़ेंगे लेकिन मेरे बताने के बाद, पहले नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। सर अब आ जाएं सर जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपनी। कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर व्हिच इज कॉल्ड, ये हमने बातें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, जस्ट रीड करनी है मुझे। सर कंपनी एक लीगल पर्सन है जो कि अपने ओनर से सेपरेट है, इस टर्म को क्या कहा जाता है लॉ की लैंग्वेज में? डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सर अ कंपनी रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स एंड शेयर होल्डर और इट्स ओनर्स Who are the members of the company? Sir, any legal person, company हो, legal person बोले तो company हो या individual can own shares in a company, shares purchase कर सकता है। Sir, company के similar rights and obligation होते हैं as to those of ordinary individual. Ordinary individual मतलब एक normal बंदा, एक natural बंदे के जो rights and obligation है, जो उसके हक और जिम्मेदारियां हैं, वही इसी के ऊपर है। सर सेपरेट लीगल एंटिटी जो टर्म है उसके अंदर छह बातें, ये भी आपने पढ़ ली है। सर कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, सोचो अगर मैं इस सोचो अगर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, अगर मैं इस आर्टिफिशियल पर्सन की जगह मैं लगा दूं लीगल पर्सन, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, तो ये कौन सा टर्म बन जाएगा बताओ? अभी पढ़ाया मैंने आपको। अगर मैं आपको बता दूं कि अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, अगर इसकी जगह मैं अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर लगा दूं, आर्टिफिशियल की जगह लीगल लगा दूं, तो सर ये कौन सा टर्म बच जाएगा? सर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट। शाबाश मेरे बच्चों, इसी तरीके से सोचते रहना, एमसीक्यू इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाईजान आगे आ जाओ, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी की कितनी बातें हैं, तो बोलोगे छह। सर कौन कौन सी? सर अ कंपनी कैन एंटर, सर ये पड़ी हुई बातें आप याद, आप बस देखते जाएंगे याद हो जाएंगी। कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद अदर पर्सन इंडिविजुअल और कंपनी, एक कंपनी किसी भी दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी इंडिविजुअल से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्योंकि कंपनी लीगल पर्सन है। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एक कंपनी किसी दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अ कंपनी लायबल फॉर इट्स डेट्स वेयर इट्स शेयर होल्डर और नॉट। सर बिल्कुल ये आपने पढ़ाया था, कंपनी अपने कर्जों की खुद जिम्मेदार है, उसके शेयर होल्डर नहीं है। द कंपनी इज अ लीगल ओनर ऑफ इट्स ओन एसेट, जो कंपनी ने एसेट खरीदा उसकी ओनर भी कौन है? कंपनी। जो एसेट कंपनी ने खरीदा उसकी ओनर भी कौन है? एसेट कंपनी खुद।
जो एसेट कंपनी ने खरीदा उसकी ओनर भी कंपनी खुद है, उसके शेयर होल्डर्स नहीं है। शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ किसके ऑनर है सर? शेयर के किसके शेयर के सर? उस कंपनी के शेयर के। शेयर लेके वो ऑनर बन जाता है कंपनी का, उस शेयर का सर। बदले में उसको क्या मिलता है सर? डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है सर। इफ अ कंपनी, एक और राइट भी मिलता है शेयर होल्डर को, वो बाद में बताऊंगा। शेयर खरीद के दो राइट मिलते हैं, शेयर खरीद के दो राइट मिलते हैं, एक डिविडेंड मिलता है, दूसरा क्या मिलता है वो बाद में बताऊंगा। कंपनी इज लायबल इफ अ कंपनी इज ओड मनी, द डेटर ओज मनी टू कंपनी नॉट टू एन ऑनर। अगर कंपनी ने किसी को कर्जा दिया तो कंपनी अगर कंपनी ने किसी को कर्जा दिया तो सर वो डेटर कंपनी का हुआ, उसके बंदों का नहीं हुआ। इससे क्या मुराद सर? अगर कंपनी ने किसी को उधार पे सेल की, अगर कंपनी ने किसी को उधार पे सेल की, जैसे कि कंपनी ने 10 पेन, 10 पेन पिकासो पेन या सर आपकी पॉइंटर पेन किसी बंदे को सेल की, ठीक है, कंपनी का काम है पेन को मैन्युफैक्चर करना, 10 पेन कंपनी ने किसी बंदे को सेल की और उधार पे की, तो सर उस बंदे से पैसे लेना किसकी जिम्मेदारी है, किसका हक है सर? कंपनी का अपना। क्या सर शेयर होल्डर का हक है? नहीं सर। सर उस बंदे जिस बंदे ने पेन परचेज की कंपनी से, सर उस बंदे का क्या राइट बनता है कि वो कंपनी को दे या उसके शेयर होल्डर को दे? सर कंपनी को दे, सर कंपनी को दे। सर बात समझ में आ रही है सर? यहां से यहां तक सर कंपनी क्रेडिटर नहीं हुई सर? सर कंपनी इज ओड मनी, द डेटर ओज द मनी टू द कंपनी नॉट टू ऑनर। ठीक है ना, कंपनी लायबल। क्रेडिटर वाली बात बेटा 2 नंबर पॉइंट में पढ़ के आए हैं, नंबर 4 वाली पॉइंट रिसीवेबल वाली है कि जो रिसीवेबल जो डेटर होगा, जिस जो कंपनी ने अगर किसी को उधार पे सेल की तो कंपनी ने उससे पैसे लेने हैं, उसके शेयर होल्डर ने पैसे नहीं लेने। जैसे कि सपोज करें वो जो डेटर बनेगा कंपनी का डेटर बनेगा, डेटर कौन होता है? जिससे आपने पैसे लेने। वो जो डेटर बनेगा कंपनी का बनेगा, जो क्रेडिटर होगा वो दूसरी नंबर पॉइंट में डिस्कस करके आए हैं। अगर कंपनी ने किसी से कर्जा लिया, अगर कंपनी ने किसी से उधार लिया, अगर कंपनी ने किसी से उधार पे कोई चीज परचेज की, तो सर कंपनी ने खुद पैसे देने, शेयर होल्डर ने नहीं देने। वैसे ही चौथे नंबर बात में, चौथा नंबर 4 नंबर बात में सर के भाईजान, अगर कंपनी ने किसी बंदे को कर्जा दिया या किसी बंदे से उधार पे कोई चीज उसको सेल की, तो कंपनी उसे खुद रिसीव करेगी, शेयर होल्डर नहीं करेंगे। सर पांचवी नंबर बात, कंपनी लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम प्रॉफिट। सर कंपनी को प्रॉफिट आ गया ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी को कोई प्रॉफिट आ गया और उस पर कोई टैक्स लगा, तो किसकी जिम्मेदारी देना? कंपनी की देनी है, कंपनी की जिम्मेदारी है देना। सर जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट आया पूरे साल में और उस पर जैसे हर बंदे को टैक्स देने की जिम्मेदारी है, वैसे ही किसकी जिम्मेदारी है टैक्स देने की? कंपनी की जिम्मेदारी है। उसके शेयर होल्डर टैक्स नहीं देंगे। कंपनी को अपने प्रॉफिट पे जो पूरे साल में, जैसे सर मैं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल हूँ, मैं अगर सर सैलरी इनकम अर्न कर रहा हूँ या मुझे कितना भी प्रॉफिट हो रहा है, पूरे साल में मेरी जो भी इनकम है उस पर टैक्स देना किसकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी। वैसे ही सर कंपनी को पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट है उस पर टैक्स देना किसकी जिम्मेदारी? सर कंपनी की, उसके शेयर होल्डर की जिम्मेदारी नहीं है। सर कंपनीज इट्सेल्फ इज लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ लॉ। सर कंपनी, बेटा आपकी इंटरनेट अपनी खराब होगी, सब बच्चों को आवाज क्लियर जा रही है, सब बच्चों को आवाज क्लियर जा रही है। ठीक है भाईजान, आवाज सबको क्लियर आ रही है? सबको आवाज क्लियर आ रही है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आ रही हो? सबको, ज्यादातर बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब सर कंपनी इटसेल्फ इज लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ लॉ, कंपनी इटसेल्फ इज लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ लॉ। आप अपना इंटरनेट दोबारा से रीस्टार्ट कर लें तो क्लियर आ जाएगी आपको, ठीक है सर। कंपनी इटसेल्फ इज लायबल फॉर एनी ब्रीच, अगर कंपनी ने कोई सर क्या किया, लॉ का ब्रीच किया, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? सर कंपनी खुद होगी। सर उसकी जिम्मेदार कौन होगी? सर उसकी जिम्मेदार कंपनी खुद होगी। सर टैक्स सिर्फ प्रॉफिट पे लगता है सर, टैक्स किसी भी चीज में लगे ठीक है भाईजान, टैक्स प्रॉफिट में लगता है या किसी भी चीज पे लगता है, जो टैक्स कंपनी पे लगा वो कंपनी ने खुद ने बियर करना है।
सही है, प्रॉफिट पे लगे किसी भी चीज पे लगे, अभी तुम ये समझो प्रॉफिट पे लगता है, बाकी केस 6 में पढ़ लेना प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में कि टैक्स कहाँ कहाँ पे लगता है। ठीक है, बिल्कुल सर, ये सब वही पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखवाए थे, जस्ट मैं यहाँ से रीड आउट कर रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। अभी आपके पास 5 मिनट हैं, अभी आपके पास 5 मिनट हैं, इन सब पॉइंट्स को क्या करें, एक दफा हजम कर लें जैसे आपको याद हो जाए, एक दफा शुरू से लेकर आखिर तक पॉइंट नंबर 1 से लेके और 4 तक, उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी के 6 पॉइंट, ये सारे आगे नहीं पढ़ना, जितना पढ़ाया है वहीं तक सोचो, आगे नहीं पढ़ो ना ही आगे सोचो, आगे सोचोगे कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोगों के बीच में बहुत सारे बच्चे आगे का सोचते हैं, आगे का ना सोचें, अच्छी बात है, पर अभी आगे का ना सोचें, कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैंने जिस तरीके से लेके चल रहा हूं वहीं तक सोचो, आगे ना सोचो, आगे सोचोगे कंफ्यूज हो जाओगे। आपके पास 5 मिनट है सर, 8:25 पे शुरू कर दूंगा मैं, ये जो अभी पढ़ा है इन सबको याद करें। तो सर अब एक नया कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं सर, उस कॉन्सेप्ट का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या नाम है सर? अब सर चेट वगैरह को छोड़ दें सर। सर नेट भी ऑफ करके ऑन कर लिया, आवाज थोड़ी आ रही है सर, अब मैं क्या करूं, बाकी सब बच्चों को आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है, बिल्कुल आवाज क्लियर जा रही है। कभी कभी होता है नेट का इशू, जैसे मेरे पास भी होता है तो बंद हो जाती है, फिर आप लोग गलती से होस्ट बन जाते हो, तो आ जाओ रिकॉर्डिंग में कवर कर लेना। ठीक है सर, अब एक मेन कॉन्सेप्ट हैंड फ्री लगा के सुन लो सर, आवाज फिर हो सकता है क्लियर आ जाए। सर एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना, चेट वेट फिलहाल नहीं करना, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना, जो लिखवा रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, लिखने को भी छोड़ दो, सबको क्वेश्चन का टाइम मिलेगा, फिलहाल सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो मेरी बात पे, जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। सर मेरे कॉन्सेप्ट का नाम है, मेरे नए टॉपिक का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या नाम है सर? लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अब सर इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है सर? इस कॉन्सेप्ट कंपनी को ना एक फायदा है, कंपनी का क्या फायदा है अब वो देखेंगे आप सर। लेट सपोज कंपनी का नाम है शानवास कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब सर ये कंपनी का नाम है, लेट सपोज। ठीक है, अब इस कंपनी में, इस कंपनी के जो एसेट्स हैं, इस कंपनी के ऑनर्स कौन है सर? इस कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो सपोज कर रहे हैं सेफ, आलार, समीर। ठीक है, ये कौन है सर? लेट सपोज ये हैं सर, ये ऑनर हैं, तो ये कौन है सर? ये हैं शेयर होल्डर। कौन है सर ये? ये हैं शेयर होल्डर। सर शानवास कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है सर, इसके ऑनर्स हैं सेफ, आलार, समीर। सर ये हैं शेयर होल्डर, इन्होंने शेयर खरीद के कंपनी के ऑनर बन के बैठ गए हैं। सर कंपनी को क्या ये चला रहे होंगे सेफ, आलार, समीर? नहीं सर, ये नहीं चला रहे होंगे, कंपनी को चला कौन रहा होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि सर ऑनर ये है, चला ये रहा है, हम तो पढ़ के आए हैं सर, कंपनी लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, जो कि अपने मालिकों से अलग होती है। कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चला कौन रहे हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी की डिसीजन मेकिंग पूरी कौन कर रहे हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मालिक ये हैं, चला ये रहे। ठीक है, अभी सर
हुआ क्या, हुआ क्या, लेट सपोज सर, कंपनी में, कंपनी ने कर्जा, कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं, सपोज करें कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं सर कोई, चार लाख रुपए के। कितने के हैं सर? चार लाख रुपए के। कंपनी पे जो सर कर्जा है, कंपनी पे जो सर कर्जा है वो है, सपोज करें कंपनी के ऊपर कर्जा कोई सात लाख रुपए। कर्जा कितना है? सात लाख रुपए। एसेट्स कितने हैं कंपनी पे? चार लाख रुपए। ये कंपनी ने कर्जा पे करना है। अब सर होता ये है कि भाईजान आप ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जैसे आपको समझ में आए। सर हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी। एक कंपनी है, एग्जांपल बता रहा हूं लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है। तो एग्जांपल सुनो, शाहनवाज कॉस्मेटिक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सपोज करें उसके ऑनर्स हैं सैफ हालार समीर। सर ये किस तरीके से बने ऑनर्स? शेयर्स लेके। तो ये शेयर्स लेके बने तो ये कौन बन गए? शेयर होल्डर। सर कंपनी को चला कौन रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, शेयर होल्डर अलग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, शेयर होल्डर अलग है। तो सर यहाँ पे कंट्रोल कोई और कर रहा है, मालिक कोई और है। सर उसके बाद मैंने बताया कंपनी के एसेट्स लेट सपोज चार लाख हैं, शाहनवाज कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड के एसेट लेट सपोज चार लाख हैं, लायबिलिटी है सात लाख। कंपनी के पास एसेट कम है, कर्जे उसने ज्यादा ले लिए हैं, कंपनी ने उधार ज्यादा ले लिया है, एसेट्स कम है, कंपनी ने उधार ज्यादा ले लिया है, ठीक है। अब हुआ क्या, ठीक है बेटा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा आप सुन लेना। सर अब हुआ क्या के ये, अब जब भी कंपनी ये कर्जे किसको देने है? कंपनी ने। जब भी कंपनी ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, अपने कर्जे, ये कर्जे किसको देने हैं? कंपनी ने। जब भी कंपनी अपने कर्जे वापस नहीं कर पाएगी, जब भी कंपनी अपने उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती, उतने रिसोर्स नहीं होते कि वो अपने कर्जे वापस कर सके, तो सर क्या होता है? तो क्या होता है मेरा सवाल? सर इसका जवाब भी मैं ही दूंगा। सर जब भी कंपनी अपनी लायबिलिटी वापस नहीं कर पाती है, तो सर वापस नहीं कर पाती मतलब पे नहीं कर पाती तो क्या होता है? तो सर कंपनी को बंद किया जाता है। सर बंद करने को मैं क्या बोलूंगा लॉ की लैंग्वेज में? सर लिक्विडेट। सर उसको क्या बोला जाता है? सर लिक्विडेट। सर उसको क्या बोला जाता है? सर लिक्विडेट। सर उसको क्या बोला जाता है? लिक्विड, लिक्विडेट, डिसॉल्व बोलो, लिक्विडेट बोलो, एक ही बात है। डिसॉल्व बोलो, लिक्विडेट बोलो, वाउंड अप बोलो, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर लिक्विडेट, ठीक है ना। अब जब भी कंपनी अपने कर्जे पूरे नहीं कर पाती, ये कर्जे देना किसकी जिम्मेदारी? कंपनी की। ये कर्जे देना किसकी जिम्मेदारी? कंपनी की। सर जब भी कंपनी अपने कर्जे पूरे नहीं कर पाती, दोबारा रिपीट करते हैं सर कोई मसला नहीं, एसेट कंपनी के कितने हैं? चार लाख। लायबिलिटी कंपनी की कितनी है? लेट सपोज सात लाख। सर जब भी ये कर्जे देना किसकी जिम्मेदारी? लायबिलिटी पे करना किसकी जिम्मेदारी? कंपनी। सात लाख देना किसकी जिम्मेदारी? कंपनी। अब सर ये फील हो रहा था एक कंपनी के ऑपरेशन से, करंट पोजीशन से, लेट सपोज ये फील हो रहा था कि भाईजान ये कंपनी में अब इतनी हिम्मत नहीं है, ये कंपनी में अब इतनी ताकत नहीं है कि ये कर्जे पूरे कर सके, ये कंपनी पूरे कर सके, ये कंपनी कर्जे पे कर सके, अपनी लायबिलिटी सेटल कर सके। तो सर उस कंपनी को क्या किया जाता है? उस कंपनी को बंद किया जाता है, उस कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, उस कंपनी को डिसॉल्व किया जाता है, उस कंपनी को वाउंड अप किया जाता है। तो सर होता क्या है फिर? तो सर होता क्या है? अब सर होता यह है, जब भी कंपनी अपने कर्जे, व्हेन अ कंपनी, व्हेन अ कंपनी इज अनएबल टू पे
व्हेन अ कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट्स, डेट्स बोले तो कर्जे, इट विल बी लिक्विडेट व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, इट विल बी लिक्विडेट, इट विल बी लिक्विडेट, इट विल बी डिसॉल्व, इट विल बी वाउंड अप। अब सर होगा क्या, अब क्या होगा, मैं मेरी बात समझ रहे हो ना, जब भी कंपनी अपने कर्जे पूरे नहीं कर पाएगी तो उसको लिक्विडेट किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा। अब सर होगा क्या, अब सर होगा क्या, अब मेरे बच्चों ये होगा कि सर लेट सपोज कंपनी के ऊपर अभी लायबिलिटी कितनी थी हमारे एग्जांपल में, सर 7 लाख, 7 लाख लायबिलिटी थी, 7 लाख लायबिलिटी थी। अब सर होगा क्या, जब भी कंपनी बंद होगी और अपने कर्जे वापस नहीं दे, जब भी कंपनी, मेरा वर्ड ध्यान से सुनना, जब भी कंपनी अपने कर्जे वापस नहीं कर पाती तो उसको बंद किया जाता है, जब भी कंपनी अपने कर्जे वापस नहीं कर पाती तो उसको बंद किया जाता है लॉ की तरफ से। तो सर फिर होता क्या है, फिर सर ये होता है कि उस कंपनी के एसेट्स सेल किए जाते हैं, उस कंपनी के एसेट्स सेल किए जाते हैं, एसेट सेल कर दिए गए। एसेट कितने के थे, 4 लाख के। एसेट सेल करके कितने पैसे मिले, 4 लाख। जब भी कंपनी अपने कर्जे पूरे नहीं कर पाती तो उसको बंद किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, उसके जो एसेट्स हैं वो सेल किए जाते हैं। एसेट सेल करके, एसेट सेल करके किसको पैसे दिए जाते हैं सर, जिन जिनके जिनसे हमने कर्जा लिया हुआ है, एसेट सेल करके किसको पैसे दिए जाते हैं सर, किसको पे ऑफ किया जाता है सर, जिनसे हमने कर्जा लिया हुआ है, एसेट सेल करके लायबिलिटी सेटल की जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं वर्ड्स को कन्वर्ट करता जाऊंगा। एसेट सेल करके, व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, इट विल बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन, इट विल बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन। सर अगर मैं इसको और थोड़ा अच्छा करके लिखूं, इट विल बी फोर्स्ड इनटू, it will be forced into liquidation, forced into liquidation, sir usko band kiya jayega, usko band kiya jayega sir, when a company is unable to pay its debt, it will be forced into liquidation, then the assets of the company will be sold, will be sold, फिर उस क्या होगा, उसके एसेट बेचे जाएंगे सर, एसेट बेच के सर, टू एसेट सेल करके, टू पे द रिमेनिंग लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, टू पे द रिमेनिंग लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। अब सर 4 लाख अगर मैंने बेच दिए तो सर अब ये 4 लाख किसको दे दिए सर, ये 4 लाख हमने दे दिए इनको, हमने किनको दे दिए सर, इनको। अब सर बाकी कितने लाइबिलिटी बच गई सर, 3 लाख सर, अभी ये किसको देनी पड़ेगी, नहीं सर शेयर होल्डर को तो नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो 3 दिन हमारे खराब किए हैं, उसमें आपने बताया था कि शेयर होल्डर आर नॉट लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी इज लायबल, कंपनी इटसेल्फ, कंपनी अपने कर्जों की खुद जिम्मेदार है, शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है, कंपनी अपने कर्जों की खुद जिम्मेदार है, शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है। तो सर ये 3 लाख जो अभी बच गए हैं, जो के सर रिमेनिंग लायबिलिटी है, जो के सर रिमेनिंग लायबिलिटी है 3 लाख, जो के सर रिमेनिंग कर्जे हैं, अब सर ये किसको देने पड़ेंगे, ये किसको देने पड़ेंगे, तो सर ये जो रिमेनिंग लायबिलिटी है ये सर किसी को भी नहीं देने पड़ेंगे, शेयर होल्डर की जिम्मेदारी नहीं है, शेयर होल्डर की जिम्मेदारी नहीं है सर, शेयर होल्डर की जिम्मेदारी नहीं है ये 3 लाख सेटल करना, शेयर होल्डर को नहीं कहा जाएगा। इस कंपनी के शेयर होल्डर कौन थे सर, समीर, सेफ, आलार,
इनको नहीं बोला जाएगा, लॉ इनको नहीं बोलेगा कि बेटा ये 3 लाख तुम दे दो, ये नहीं देंगे क्योंकि ये कंपनी के 3 लाख किसकी देना जिम्मेदारी है सर, कंपनी की खुद की जिम्मेदारी है। तो सर ये 3 लाख अब क्या होगा, सर ये अनपेड रह जाएंगे, सर ये अनपेड रह जाएंगे। अनपेड मतलब अब ये किसकी जिम्मेदारी नहीं है देने की, जिन्होंने कर्जा दिया था कंपनी को, जिन्होंने उधार दिया था कंपनी को, अब उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, अब उनको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी बंद हो गई। तो सर इस बात को अगर कंक्लूड करूं मैं, इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो सर हमने क्या सीखा, तो सर हमने क्या सीखा, सर हमने सीखा वेन अ कंपनी is unable to pay its debts, it will be forced into liquidation, it will be forced into liquidation it will be forced into liquidation then assets of the company will be sold to pay, will be sold bolo ya will be used bolo, will be sold bolo ya will be यूज्ड बोलो, एसेट को यूज किया जाएगा या एसेट को सोल किया जाएगा, टू पे सम ऑफ द लायबिलिटी, टू पे सम ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, टू पे सम ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। सर मेरे साथ साथ बोलो, when a company is unable to pay its debts, when a company is unable to pay its debt, it will be forced into liquidation, then asset of the company will be sold, used to pay some of the liability of the company. सर अब क्या होगा भाईजान, ये तो हो गया सो हो गया, अब इस बात में एक और बात एड करनी है। सर शेयर होल्डर इफ दे आर स्टिल, अगर कोई लायबिलिटी बच गई, अगर कोई लायबिलिटी बच गई, जैसे 3 लाख ऊपर बच गई थी, जैसे 3 लाख, जैसे ये वाली 3 लाख जो बच गई थी, ये किसकी जिम्मेदारी नहीं है। इफ देयर इज स्टिल अनपेड बोलो, रिमेनिंग बोलो, इफ देयर इज स्टिल रिमेनिंग लायबिलिटी, if there is still remaining liability, then shareholders are not personally वो घर से पे नहीं करेंगे, are not personally required to pay the liability, pay the liability of company। सारे सवालात के जवाब क्लियर हो जाएंगे, एक दफा तसल्ली से सुने, सबर करें, सब क्लियर हो जाएंगे सवाल। बोर्ड पे ध्यान दें, मैंने बोला हुआ है चैट पे ध्यान ना दें, सब सुने, सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। इतनी बेचिस को पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि बच्चा क्या सोच रहा होता है, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। सर If there is still unpaid remaining liability, then shareholder are not personally required to pay the liability of company. Sir, मैं दोबारा आता हूं इसके ऊपर। सर हमारे सर कंपनी के पास एसेट है 4 लाख, लाइबिलिटी है 7 लाख। सर जब भी ये सिचुएशन हो जाएगी कि कंपनी अपने कर्जे वापस नहीं कर पा रही, तो कंपनी को बंद किया जाएगा, बंद करने को बोलेंगे, लिक्विडेट, डिसॉल्व, वाउंड अप।
When a company is unable to pay debt, it will be forced into liquidation. उसको बंद किया जाएगा. Forced क्यों use हुआ? इसको बंद किया जाएगा. Sir, liability है late suppose 7 lakh. तो सर जब भी बंद किया जाएगा अब होगा क्या? तो कंपनी के जो एसेट्स पड़े होंगे उसको सेल किया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा. अब जो उसमें बेच के सर पैसे मिलेंगे, किस में से पैसे मिलेंगे? एसेट में से. अब सर वो यूज करके किसको दिए जाएंगे? सर अब जो लायबिलिटी जो थी वो सेटल की जाएंगी. सेटल करना मतलब पे कर देंगे हम. सर एसेट से सपोज करें 4 लाख मिले, हमने पे कर दिए, 7 लाख में से 4 लाख पे कर दिए, अब कितनी लायबिलिटी बच गई? 3 लाख. अब सर ये जो 3 लाख बच गई ये सर अनपेड ही रह जाएगी, ये सर अनपेड ही रह जाएगी. अब सर ये किसकी? किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है देने की. क्या सर शेयर होल्डर का हक नहीं बनता, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं कि भाईजान ये 3 लाख की जो 3 लाख की जो लायबिलिटी बच गई है, चूंकि ऑनर समीर सैफ और हालार शेयर होल्डर्स हैं तो इनका हक है कि इनके ऊपर ये फर्ज है कि इनको देना चाहिए. नहीं सर, इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि कंपनी इज इटसेल्फ लायबल फॉर इट डेट्स. इट शेयर होल्डर और नॉट, कंपनी के शेयर होल्डर लायबल नहीं है पैसे देने के लिए. सर कंपनी खुद जिम्मेदार है. तो सर अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूं, when a company is unable to pay debts, it will be forced into liquidation, then the asset of the company will be sold, used to pay some of the liability of the company. If there is still unpaid remaining liability, then shareholders are not personally required to pay the liability of the company. Shareholder को घर से पैसे लाके इन liabilities को सेटल करने की जिम्मेदारी नहीं है. तो सर अब जिन लोगों ने कर्जे दिए थे वो क्या केस नहीं करेंगे? क्यों सर वो केस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये तो लॉ खुद बोल रहा है कि भाईजान, ये तो लॉ की वर्डिंग में सुना रहा हूं कि भाईजान अगर कंपनी बंद हो गई तो तुम्हें जस्ट एसेट सेल करके पैसे मिलेंगे, अगर कोई लायबिलिटी बच गई तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, एक रुपया भी नहीं मिलेगा ये. और जो अगर कुछ बच गया तो सर तुम्हें वो चला गया, वो अब तुम्हें नहीं मिलने वाला. ये सारी लॉ की वर्डिंग बता रहा हूं. तो केस कैसे होगा? ठीक है ना. तो सर ये 3 लाख अब डूब गए. अब सर मसला ये है, ये बेचारे जो शेयर होल्डर्स हैं इन बेचारों को क्या नुकसान होगा इस केस में? जब कंपनी बंद हो जाएगी, एसेट सेल किए जाएंगे और लायबिलिटी सेटल की जाएंगी, और उसके बाद भी अगर कोई लायबिलिटी बच गई तो इन बेचारों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है लायबिलिटी देने की. लेकिन इन बेचारों को नुकसान क्या हुआ? सर इन बेचारों को नुकसान ये हुआ कि इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने कंपनी पे पैसे लगाए थे. इन्होंने हालार ने लेट सपोज करें सर दो शेयर बाय किए थे. एक शेयर की कॉस्ट कितनी थी सर? दस रुपए पर शेयर की कॉस्ट थी. तो सर हालार ने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट वो होती है जो मैंने पैसे लगाए उसके बदले में मुझे कुछ मिले, जो मैंने पैसे लगाए उसके बदले में कुछ मिले. हालार ने शेयर खरीदे हैं तो बदले में क्या मिलेगा? डिविडेंड बदले में उसको पैसे मिलते हैं. सर हालार ने 2 शेयर खरीदे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो हालार ने इन्वेस्टमेंट कितने की? 20 रुपए की. सर ये 20 रुपए हालार ने किसको दिए? सर हालार ने दिए थे कंपनी को. हालार ने कंपनी को दिए थे. सर लेट सपोज सेफ ने शेयर खरीदे थे 4 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का था, तो सेफ की कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? सेफ की इन्वेस्टमेंट हुई 40 रुपए की. सेफ ने 40 रुपए कंपनी को दिए. लेट जी सर, अब हालार ने हम कहाँ पे थे? हालार ने कितने शेयर खरीदे थे? 4 शेयर. सर हालार ने कितने शेयर की इन्वेस्टमेंट की थी? सर 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी. 2 शेयर खरीदे थे, एक शेयर कितने का? 10 रुपए का. तो सर हालार की कितने की इन्वेस्टमेंट हुई? 20 रुपए की. सर सेफ ने 4 शेयर खरीदे, एक शेयर 10 रुपए का, तो सेफ की कितने की इन्वेस्टमेंट हुई? सर सेफ की इन्वेस्टमेंट हुई 40 रुपए की.
तो सर अब रह गया समीर। सर लेट सपोज समीर ने एक शेयर खरीदा था और समीर की कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 10 रुपए की। समीर ने 10 रुपए कंपनी को दिए थे, समीर ने कितने दिए थे? सर समीर ने कितने दिए थे? 10 रुपए कंपनी को। अब सर मैं कहां पे था? मैं यहां पे था कि भाईजान ये 3 लाख रुपए जिन लोगों ने कर्जा दिया था उन लोगों के अनपेड तो रह गए, उन लोगों के पैसे तो डूब गए, ठीक है। अब सर इन लोगों ने, इन बेचारों ने, हालार, सेफ और समीर, ये बेचारे जो शेयर होल्डर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स हैं, इन लोगों को क्या नुकसान हुआ? सर इन लोगों को ये नुकसान हुआ कि भाईजान इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो कंपनी को पैसे दिए थे, इसने 2 रुपए के 20 रुपए दिए, इसने 40 रुपए दिए, इसने 10 रुपए दिए। अब ये बेचारों को नहीं मिलेंगे, ये बेचारों को नहीं मिलेंगे, ये पैसे डूब गए। तो शेयर होल्डर, इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं, शेयर होल्डर को क्या नुकसान होगा? सर शेयर होल्डर लूज वॉट, शेयर होल्डर विल लूज वॉट ही हैज इन्वेस्टेड। वॉट बोलो या डेट? शेयर होल्डर विल लूज वॉट ही हैज इन्वेस्टेड या डेट ही हैज। शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ वो लूज करेगा, शेयर होल्डर को नुकसान वही होगा जो सर उसने इन्वेस्टमेंट की है। हालार ने कितने की इन्वेस्टमेंट की? 20 की। अब ये पैसे डूब गए, हालार को वापस नहीं मिलेंगे। सेफ ने कितने की इन्वेस्टमेंट की? 40 की। अब ये पैसे डूब गए, सर सेफ को नहीं मिलेंगे। समीर ने कितने की इन्वेस्टमेंट की? 10 की। अब सर ये पैसे डूब गए, समीर को नहीं मिलने वाले। सर यहां तक क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। आगे आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है, रुक जाएं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं सर मुझे, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। सर वो शेयर होल्डर वाले पैसे कंपनी के पास जाएंगे? जी सर बिल्कुल कंपनी के पास जाएंगे। इस वजह से कंपनी के पास जाएंगे बेटा क्योंकि तुम शेयर खरीद रहे हो, ये तो पहली क्लास में बताया था, तो तुम शेयर खरीद के कंपनी को पैसे देते हो ना। सर फॉर सपोज अगर कंपनी को मैंने उधार दिया है और वो कुछ लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकती, तो ऐसे तो मुझे नुकसान हुआ, मैं क्यों ये नुकसान बियर करूं? तो बेटा तुम नहीं दो ना कंपनी को लाइबिलिटी, तुम क्यों दे रहे हो कर्जा? तुम्हें किसने कहा है कर्जा दो? अब जो भी कंपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रुक रुक जाओ रुक जाओ, ठहर जाओ, जो भी कंपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी को कर्जा देती हैं, तो वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस देखती हैं, वो कंपनी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाती हैं, जो तुम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बनाना सीखोगे। तो सर जैसे कि तुम बैंक के पास कर्जा लेना चाहते हो, सर सबके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, फिलहाल चुप हो जाओ। हर किसी के क्वेश्चन का जब मैं बोलूं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना, फिलहाल चुप हो जाओ। जिन लोगों ने क्वेश्चन किया हो उनको जवाब देने दो। लेट सपोज तुम बैंक के पास जाते हो, तुम उनको बोलते हो मुझे कर्जा दो, तो बैंक पागल नहीं है कि तुम्हें 10 लाख रुपए का तुमने कर्जा मांगा, तुम्हें 10 लाख रुपए दे दे। बैंक क्या करेगा? बैंक तुमसे बोलेगा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ, कंपनी की बैलेंस शीट लेके आओ, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले आओ। तो जब बैंक वो लेके आता है, बैंक को तुम वो दिखाते हो कि भाई ये है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या होता है सर? तो क्या होता है सर, बैंक को जैसे तुम दिखाते हो, बैंक उसमें से कंडीशन, तुम्हारी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करता है, क्या कंपनी की लायबिलिटी एसेट साइड से ज्यादा तो नहीं है, क्या इसके ऊपर ऑलरेडी ज्यादा कर्जे तो नहीं है, वो चेक करता है कि अगर कंपनी बंद भी हो गई तो एसेट इतने हैं, क्या एसेट इतने सफिशिएंट हैं कि वो सेल करके मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो सर सामने वाला देख के तुम्हें पैसे देता है, और सर दूसरी बात, वो तुमसे गारंटी भी रखवा लेता है, वो तुमसे कोई सिक्योरिटी भी रखवा लेता है, ऐसे तुम्हें कोई कर्जा नहीं देता। सर 3 लाख कैसे कंपनी वापस देगी? सर 3 लाख नहीं देने वाली कंपनी, अब वो डूब गए, अब खत्म हो गए। सर कंपनी के पास भी अगर, सर फॉर एग्जाम्पल 7 लाख के 7 अलग अलग टाइप के क्रेडिटर हैं, कंपनी पहले किसको पे करेगी? सर ये आगे पढ़ेंगे।
सर जो शेयर के पैसे हैं वो लायबिलिटी खत्म नहीं कर सकते। बेटा शेयर के पैसों में से तुमने एसेट खरीदे हैं, तुमने एसेट कहाँ से खरीदे तुम मुझे ये बताओ, तुमने एसेट कहाँ से खरीदे तुम मुझे ये बता दो पहले, तुमने एसेट कहाँ से खरीदे, तुमने एसेट खरीदे शेयर के पैसों में से। सर ये बाकी 3 लाख कैसे रिकवर होंगे? बेटा ये 3 लाख डूब गए, नहीं रिकवर होने वाले, यही तो कॉन्सेप्ट है। सर जो शेयर्स के पैसे हैं, बिल्कुल सर, सर अगर शेयर होल्डर एज अ लाइबिलिटी डेब्ट दे के सोच के फ्यूचर में कंपनी पेड कर देगा तो लाइबिलिटी कंपनी होगी, वो कैपिटल शेयर होल्डर का, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कुछ नहीं मिलेगा ना, कंपनी बंद हो गई तो किसी को क्यों कुछ मिलेगा? क्यों केस होगा बेटा? कंपनी ये केस बेस की बातें छोड़ो फिलहाल, फिलहाल ये है कि जब भी कंपनी बंद होगी तो एसेट सेल कर दिए जाएंगे और सर जितनी लायबिलिटी होगी वो सेटल की जाएंगी। फिलहाल जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सिर्फ वहां तक रहो, आगे ना जाओ, कि जब भी कंपनी बंद होगी लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब समझाने जा रहा हूँ वो पूरा करने दो फिलहाल मुझे, ठीक है? जब भी कंपनी बंद होगी उसके एसेट सेल किए जाएंगे लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, ठीक है? लायबिलिटी को सेटल करके तो सर क्या होगा, लायबिलिटी को सेटल किया जाएगा और लायबिलिटी को सेटल करने के बाद जो पैसे बच जाए, जो लायबिलिटी बच जाएगी सर वो अनपेड रह जाएगी, वो शेयर होल्डर बेचारे की जिम्मेदारी नहीं होगी देने के लिए। नहीं सर कंपनी के किसी के भी केस नहीं होगा, ठीक है? हाँ तो वही बात हो गई ना सर, कंपनी ने एसेट जो बेचे हैं तो बिल्कुल। सर ये आगे पढ़ेंगे, हम जो लोन देंगे तो लायबिलिटी पूरी ना हो सके आगे, प्रॉपर्टी तो उसी में से आ जाएगा ना सर, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है सर? सर ये नहीं होगा ना सर, अगर एसेट सॉल्व नहीं करते सामने वाला और कंपनी को अपने तरीके से स्टार्ट करना चाहे तो ऐसा होगा? सिर्फ क्या एक बंदे के पैसे लगे हुए हैं क्या बेटा? बहुत सारे बंदों के पैसे लगे हुए हैं, हर कोई बोलेगा मुझे पैसे दो पैसे दो, लॉ लॉ कोर्ट बीच में आ जाती है, ये लॉ है कि उसको बंद किया जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, सामने वाले को पैसे मिलेंगे, अब जो जाके वो जो पैसे का यूज करे उसकी मर्जी। आगे चलते हैं सर, सर आगे चलते हैं। अब देखो सर आपने ये तो सब कुछ बता दिया लेकिन ये समझ में नहीं आया इस कॉन्सेप्ट का नाम लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों है, इस कॉन्सेप्ट का नाम लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों है? आपने ये सारी बातें कर तो दी लेकिन इस कॉन्सेप्ट का नाम लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों रखा गया? तो बेटा सुनो सुनो, अब छोड़ दो चेट चेट छोड़ दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, बाकी सवाल का फिर तुम्हें टाइम दूंगा मैं। अब सब कुछ सारी चीजें छोड़ दो, भाड़ में गई बीओडी सब कुछ छोड़ दो, हाँ खत्म कर दो, तुम यहाँ पे सुनो, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, सब चेट बेट सब कुछ छोड़ दो, लिखने का टाइम भी दूंगा, रुक जाओ सर। अब बात सुने, ये कॉन्सेप्ट कवर कर लूं फिर लिख लेना भले। सर अब बात सुने के शेयर होल्डर की अगर मैं कंक्लूड करूं, शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है, शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो कहां तक है सर? शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है सर वो है उसकी इन्वेस्टमेंट तक, उसकी इन्वेस्टमेंट तक, शेयर होल्डर को इन्वेस्टमेंट से 1 रुपया भी ऊपर नहीं देना। सर इसका क्या मकसद, ये सर आपने जो लिखा है इसका क्या, इससे क्या मुराद? सर इससे क्या मुराद सुनाता हूँ समझाता हूँ। लेट सपोज सर हालार ने क्या किया था? सर हालार ने ये किया था
केसर हालार ने ये किया था कि दो शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे, दो शेयर, दो शेयर के बनते कितने थे, एक शेयर है 10 रुपए का, एक शेयर है 10 रुपए का, तो दो शेयर के बनते हैं 20 रुपए। ठीक है सर, हालार को कितने पैसे देने चाहिए, हालार ने खरीदे दो शेयर, हालार को देने चाहिए 20 रुपए। लेट सपोज सर हालार ने दिए 15 रुपए, हालार ने कंपनी को दिए 15 रुपए, हालार ने बोला कंपनी को, कंपनी कंपनी तुम फिलहाल 15 रुपए ले लो, अभी जो 5 रुपए बचते हैं ये मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, ये मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। हालार की इन्वेस्टमेंट कितनी है 20 रुपए, हालार की इन्वेस्टमेंट कितनी है 20 रुपए, हालार ने दिए कितने हैं 15 रुपए, हालार ने दिए कितने 15 रुपए, हालार को देने कितने हैं 20 रुपए, हालार ने दिए कितने हैं 15 रुपए, हालार के ऊपर लायबिलिटी कितनी है कंपनी को देने की सर 5 रुपए, सर 5 रुपए हालार के ऊपर लायबिलिटी है देने की, 5 रुपए हालार ने देने हैं। तो सर लेट सपोज अभी कितने की लायबिलिटी थी 3 लाख की, 3 लाख की अनपेड लायबिलिटी थी ना भाईजान, अनपेड लायबिलिटी जो ऊपर हम पढ़ के आए, ये वाली लायबिलिटी जो लोग भूल गए हैं, ये कहां से आया सर, ये बेटा यहां से आया, ये वाली लायबिलिटी अनपेड लायबिलिटी 3 लाख जो लायबिलिटी बच गई थी, ये वो वाली लायबिलिटी। जब अगर लायबिलिटी बच जाती है तो सर लायबिलिटी बचने के बाद अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे कम दिए थे, ये वाले पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट वाले पैसे उसके कोई रहते हैं, तो वो बोला जाएगा शेयर होल्डर जो तेरे इन्वेस्टमेंट के पैसे रहते थे वो देते, कंपनी शेयर होल्डर को बोलेगी अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे तो देते, जैसे आलार ये 5 रुपए देगा कंपनी ये भी किसको दे देगी, लायबिलिटी में दे देगी। अब कितने की लायबिलिटी बच जाएगी सर, वो लायबिलिटी जो बच जाएगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, तो सर फिर ये अनपेड रह जाएगी, तो फिर सर ये अनपेड रह जाएगी। क्या सर हालार को अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसे देने हैं, नहीं सर। अगर हालार ने 20 रुपए दे दिए होते, 20 रुपए पूरे दे दिए होते, तो क्या सर हालार को ये 5 रुपए देने की जरूरत होती, नहीं देने की जरूरत होती। पर सर हालार ने दिए कितने थे 15 रुपए, हालार ने इन्वेस्टमेंट दो शेयर की थी, 20 रुपए देने थे, हालार ने दिए थे 15 रुपए, 5 रुपए हालार को मजीद देने थे, ये किस पे रहते थे, हालार पे रहते थे अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, तो सर वो उसको देने थे। पर अगर हालार ने पूरे पैसे दे दिए होते, ऑलरेडी दे दिए होते बंद होने से पहले, तो हालार को कुछ देना नहीं पड़ता। सर अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करूं, शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज शेयर होल्डर लायबिलिटी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर लायबिलिटी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर लायबिलिटी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बेटा रुक जाओ, सबके क्वेश्चन सुनूंगा मैं, यहाँ पे ध्यान दो, कोई पॉइंट रह ना जाए। सर शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है कहां तक लिमिटेड है, सर उसकी इन्वेस्टमेंट तक। सर इस इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद, सर अगर हालार ने 20 रुपए दे दिए होते, 20 रुपए दे दिए होते, तो सर हालार को मजीद पैसे पे नहीं करने पड़ते। पर अगर हालार ने 20 रुपए की जगह 15 रुपए दिए होते, तो हालार को अपनी इन्वेस्टमेंट वाले पूरे पैसे देने पड़ते, इन्वेस्टमेंट वाले पूरे पैसे देने पड़ते। तो सर हालार की लायबिलिटी कहां तक है, उसकी इन्वेस्टमेंट तक है। तो सर अब क्या हालार को ये 20 रुपए वापस मिलेंगे जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी, नहीं सर, बंद हो गई कंपनी तो नहीं मिलेंगे, ये पैसे डूब गए हालार के। शेयर होल्डर हालार ने क्या लूज किया, अगर सर यहां तक बात करें, सर
हालार ने क्या लूज किया? सर हालार ने लूज किया शेयर होल्डर विल लूज वॉट दे हैव इन्वेस्टेड, शेयर होल्डर विल लूज वॉट दे हैव इन्वेस्टेड। ठीक है सर, अब सर कॉन्सेप्ट समझ में आया? लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या था सर? ये कॉन्सेप्ट था लिमिटेड लाइबिलिटी का। शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी, शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है कहाँ तक? उनकी इन्वेस्टमेंट तक। उनको शेयर होल्डर, चूंकि सोल टेडर जो था उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं थी। अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, सोल टेडर पे लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। सर इसका मतलब, सर अगर सोल टेडर ने किसी से कर्जा लिया तो सोल टेडर को खुद से पूरा वापस करना पड़ेगा, पूरा वापस करना पड़ेगा, पर्सनली भी पे करना पड़ेगा, घर से चीजें पैसे लाके लाइबिलिटी सेटल करनी पड़ेगी। सर पार्टनरशिप बिजनेस पे भी लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। सर पार्टनरशिप बिजनेस पे भी लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अगर पार्टनरशिप बिजनेस पे कोई कर्जा है तो सर घर से लाके भी पैसे देने पड़ेंगे, कर्जा पूरा करना पड़ेगा। और सर कंपनी के अगर ऊपर कोई कर्जा है तो उसके एसेट सेल किए जाएंगे और कर्जा वापस करना पड़ेगा। अगर फिर भी कोई कर्जा बच गया तो शेयर होल्डर उसके ऑनर हैं, वो घर से नहीं लाएंगे पैसे, जो बच गया सो बच गया, वो डूब गया सर। ठीक है, शेयर होल्डर बेचारा सिर्फ क्या गवाएगा सर? जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कहां तक महदूद है सर? शेयर होल्डर की लाइबिलिटी महदूद है उसकी इन्वेस्टमेंट की हद तक। हाँ, अगर उसने इन्वेस्टमेंट जो की थी उसके आधे पैसे दिए थे या कुछ पैसे रहते थे तो वो उसको देने पड़ेंगे, आगे एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। शेयर होल्डर को अपनी इन्वेस्टमेंट से एक रुपया भी ऊपर नहीं देना पड़ेगा। सर सर रिकॉर्डिंग खोल दी मैंने। सर ये अब लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट खोले सारे बच्चे और सर ये पढ़े। इफ अ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, इट मे बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको समझाने के बाद आप लोगों को मेरे ख्याल से अभी ये याद हो चुका होगा। इंशाल्लाह बिजनेस लॉ का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा बेटा, बस कंडीशन ये है जो मैंने पहली क्लास में बात कही थी, जो टॉपिक मैं जिस वक्त कवर करवा लूं वो उस वक्त जाके याद कर लेना, जान छुड़ा लेना। जैसे कि अभी मैंने ये चैप्टर वन का 2 पेजेस करवा लिए हैं तो आप जाके क्या करोगे, स्टडी पैक से जो आईकेप का स्टडी पैक है, जो बिजनेस लॉ का बुक है चैप्टर नंबर 19 का, उसमें से पहला दूसरा तीसरा पेज, चैप्टर नंबर 19 का पहला दूसरा और तीसरा पेज पढ़ लो आराम से। याद कहाँ से करो? सर मेरे वाले नोट्स में से। सर ये जो टास्क है ये कल तक हो जाना चाहिए, मेरी क्लास से शुरू होने से पहले आपको ये दोनों पेजेस याद होने चाहिए, उसके जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो। और सर स्टडी पैक में से 3 पेजेस जस्ट रीड आउट कर लें सर। अल्लाह का अल्लाह करेगा अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा। और सर जितना फ्रेश, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, जितना फ्रेश होगा उतना जल्दी याद होगा। इंशाल्लाह सर आपको ये मेरी गारंटी है, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा अल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपको उसी वक्त याद हो जाएगा, बस आप क्लास जरूर लें। सर आ जाएं। इफ अ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, इट मे बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन, द एसेट ऑफ द कंपनी विल देन बी यूज्ड टू पे सम ऑफ इट्स अनपेड लाइबिलिटी। हाउएवर शेयर होल्डर्स ऑनर्स ऑफ द कंपनी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पर्सनली टू पे द रिमेनिंग अनपेड डेट्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर विल लूज वॉट दे हैव इन्वेस्टेड बट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी मोर, उनको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर्स ऑनर्स लाइबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है सर, लिमिटेड लाइबिलिटी किस पे अप्लाई होती है? प्राइवेट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन देयर नेम। सर अब बात समझ में आई? अब बात समझ में आई, हर कंपनी अपने पीछे वर्ड लिमिटेड क्यों लगाती है? जैसे कि सर
बायको पाकिस्तान लिमिटेड, सर मल्टीफॉर्म मास्टर मल्टीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, सर लकी सीमेंट लिमिटेड, सर उसके अलावा सर एग्रो, सर उसके बाद ये सारी कंपनीज वर्ल्ड लिमिटेड क्यों लगाती हैं? सर उसकी वजह यही है, जैसे कि लिमिटेड वर्ड देख के आपको समझ में आ जाए, लिमिटेड वर्ड देख के आपको समझ में आ जाए कि भाईजान इसको लोन देने से पहले ये सोचना इसकी लायबिलिटी, इसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। किसकी लायबिलिटी लिमिटेड है? शेयर होल्डर की। इसके ऑनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? उनके इन्वेस्टमेंट तक, उनके इन्वेस्टमेंट तक। तो अगर मैंने इसको पैसे दिए, इस कंपनी को, इस लिमिटेड वाली कंपनी को अगर कर्जा दिया, तो अगर ये बंद हो गई तो जितने एसेट्स होंगे उतने पैसे मिलेंगे, बाकी जो पैसे बच गए मेरे वो डूब जाए, ठीक है ना सर। अब प्राइवेट लिमिटेड आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड, प्राइवेट लिमिटेड आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड वर्ड प्राइवेट इन देयर नेम, प्राइवेट लिमिटेड आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड वर्ड प्राइवेट इन देयर नेम, एग्जांपल वर्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मास्टर मल्टीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड वर्ड लिमिटेड इन देयर नेम। हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ लगाना है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। जो कंपनी पब्लिक कंपनी होगी उसको अपने नाम के साथ लगाना है सिर्फ लिमिटेड, उसको प्राइवेट वर्ड नहीं लगाना। सर नीचे लिखा है मैंने, वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद इट। सर वर्ड लिमिटेड से मुराद है कि भाई जो भी इस कंपनी से ट्रांजेक्शन करे, बिजनेस करे, वो ये जरूर देखे कि इस वर्ड, इस कंपनी के पीछे वर्ड लिमिटेड लगा हुआ है, तो मतलब इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। सर नोट, डायरेक्टर्स आर, जैसे आपने पूछा कि भाईजान क्या डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है पैसे देने की? नहीं सर, डायरेक्टर बेचारों की भी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर भी तो बेचारे वहां नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। पर अगर उन्होंने कोई गलती की, उन्होंने कोई सर जानबूझ के कंपनी को नुकसान दिया, तो सर फिर उन पे पेनल्टी लगती है, फिर उन पे जिम्मेदारी हो जाती है उनको पैसे देने के लिए। पर अगर वो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे थे, ऑनेस्टी से काम कर रहे थे, इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे थे, तो फिर सर उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। सर बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है सर? यहां तक कोई भी सवाल हो तो बताएं। सर कंपनी का खुद लगाएगी बेटा, कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है लगाए। अगर तुम कंपनी ओपन कर रहे हो तो सर तुम्हें, अगर प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो तुम्हें उसके नाम पे पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, अगर तुम कंपनी पब्लिक खोल रहे हो तो उसके पीछे लिमिटेड लगाना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग सुन लेना सेफ। सर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में क्या डिफरेंस है? सर ये आगे बताऊंगा, आगे हमारा टॉपिक आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सर हर कंपनी प्राइवेट होगी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, जो कंपनी पब्लिक होगी अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाएगी। जब भी वर्ड लिमिटेड पीछे लगेगा तो सर आप ये ध्यान, ये आपको मतलब ख्याल आ जाएगा कि इसके पीछे वर्ड लिमिटेड लगा हुआ है, मतलब इसके शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो मुझे, अगर मैं उस कंपनी को कर्जा दे रहा हूँ जिस कंपनी के पीछे लिमिटेड लगा हुआ है, तो सर मुझे इतने ही पैसे मिलेंगे जितने एसेट सेल करके पैसे मिलेंगे, उतने मुझे मिलेंगे, ठीक है। बाकी लायबिलिटी अगर मेरी कोई होगी तो वो अनपेड रह जाएगी। सेफ बेटा, टास्क ये है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना, सबसे पहले मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना। स्टडी पैक के शुरू वाले तीन पेजेस, कौन से शुरू वाले तीन पेजेस? कंपनी लॉ के चैप्टर नंबर 19 से कंपनी लॉ स्टार्ट हो रहा है, वहां के शुरू वाले तीन पेजेस पढ़ लो, जरूर पढ़ना। एमसीक्यूज आएंगे तो पता लगेगा, कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग सुनो और सर स्टडी पैक के तीन पेजेस पढ़ लो। नंबर तीसरी बात, ये जो मैंने हैंड आउट दिया है इसके दो पेजेस याद कर लो कल की क्लास शुरू होने से पहले तक, ठीक है सर। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मैं रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद सर मैं क्या करूंगा, अब सर ये रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, ठीक है सर। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे।